हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे पेट्रोल इंजन के जो FI सिस्टम है, मतलब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, उसमें कौन कौन से अलग अलग सेंसर्स हम लोग यूज़ करते हैं, उनका क्या क्या काम है और कौन कौन से ऐसे मेजर सेंसर्स होते हैं जिसको हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, जिसके अलावा गाड़ी चल ही नहीं सकती, मतलब आपका इंजन जो है वो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो सारा डिटेल्स बात करेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ और चलिए वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो बात करेंगे हम लोग सेंसर्स के, सारे होंगे पेट्रोल इंजन का, और पेट्रोल इंजन का जो FI सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, उसकी बात करेंगे। क्योंकि पेट्रोल इंजन में दो अलग अलग वेरियंट आता है, एक है कार्बोरेटेड और दूसरा है फ्यूल इंजेक्टेड। तो कार्बोरेटेड में ज़्यादा सेंसर्स नहीं होते, तो इसी कारण से फ्यूल इंजेक्टेड जो इंजन है उसी की बात करेंगे। वैसे डीजल इंजन भी होते हैं फ्यूल इंजेक्टेड, डीजल के तो सारे इंजन ही फ्यूल इंजेक्टेड होते हैं, लेकिन डीजल इंजन का बात नहीं कर रहे इस वीडियो में। तो अभी जो लेटेस्ट आपको पता होगा, जितने भी BS6 मोटरसाइकिल्स या BS6 फोर व्हीलर लॉन्च हुआ है, सारा फ्यूल इंजेक्टर टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। तो मतलब उन सारे इंजन्स में ये जो सेंसर्स है ये आपको जरूर दिखेगा। तो फोर व्हीलर तो पहले से ही फ्यूल इंजेक्टेड था, तो उसको तो आप इंक्लूड ना भी करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन टू व्हीलर जो भी आपको मिलेगा BS6 में और जो FI के साथ आया है, उसमें आपको ये जो सेंसर मैं बोलूंगा अभी, सारा आपको दिखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सेंसर्स का नाम बताता हूं जो मेजर सेंसर्स है, उसके बाद एक एक का वर्किंग में जाएंगे। लिस्ट में मैंने सबसे ऊपर रखा है क्रैंक सेंसर, उसके बाद TPS मतलब थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर, तीसरा है मैप सेंसर मतलब मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, इसके अलावा मैप सेंसर भी यूज हो सकता है उसके जगह पे, चौथा है यहाँ पे इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, पांचवा मैंने रखा है इंजन टेम्परेचर सेंसर, और आखिरी में मेजर सेंसर की लिस्ट में जो आखिरी है वो है ऑक्सीजन सेंसर। ये है मेजर सेंसर जो हमें चाहिए इंजन को रन कराने के लिए। उसके अलावा भी कुछ सेंसर है जैसे कि रोल ओवर सेंसर, साइड स्टैंड सेंसर, कैम सेंसर, और आपका आता है आखिरी में नॉक सेंसर जो यूज होता है कुछ कुछ गाड़ियों में, कुछ कुछ इंजन वो सब यूज करते हैं। और भी कुछ सेंसर है जो मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं उन सेंसर का कोई भी गाड़ी को चलाने के लिए सेफली और सिक्योरली। तो सबसे पहले अभी शुरू करता हूँ मैं क्रैंक सेंसर से। क्रैंक सेंसर का काम क्या होता है, आपको पता है कोई भी पेट्रोल इंजन हो तो पेट्रोल इंजन में जो स्पार्क होता है वो किस टाइम पे होता है, जब पिस्टन जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसको कंप्रेस कर देता है, कंप्रेशन के बाद जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर के आसपास रहता है उसी टाइम पे होता है स्पार्क। तो इंजन को कैसे पता चलेगा कि पिस्टन हमारा टॉप में है, उसी का काम करता है ये क्रैंक सेंसर। क्रैंक सेंसर कहाँ पे लगा होता है, आपका जो फ्लाई व्हील होता है जो मैग्नेट वाला साइड है इंजन का, वहाँ पे एक हॉल इफेक्ट सेंसर लगा होता है जो एज ए क्रैंक सेंसर वर्क करता है। और आपका जो फ्लाई व्हील है जो मैग्नेट का पीछे वाला हिस्सा है, उसमें बहुत सारे टीथ रहते हैं और टीथ में कुछ टीथ मिसिंग रहता है, और जो मिसिंग टीथ है उसी से इंडिकेट होता है कि पिस्टन हमारा कब टॉप डेड सेंटर में जाएगा। और जैसे ही पिस्टन उस जगह पे जाता है और वहीं पे आपका सेंसर भी सिग्नल दे देता है ECU को, क्योंकि सारे फ्यूल इंजेक्टर जो इंजन है वो आती है ECU के साथ, और ECU डिटेक्ट कर लेता है कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर में, जिसके हिसाब से आपका स्पार्क हो जाता है। और क्योंकि हमारा फ्यूल इंजेक्टर इंजन है तो फ्यूल भी इंजेक्ट करना पड़ेगा, और इसी कारण से फ्यूल इंजेक्शन भी इसी सेंसर के द्वारा ही इंडिकेट होता है, और जो कंट्रोल करता है सारा चीज वो है ECU। तो आशा करता हूं ये तो क्लियर हो गया होगा क्रैंक सेंसर का काम क्या है। अभी चलते हैं हम दूसरे सेंसर में जो है TPS सेंसर। आपको पता है जब आप एक्सीलरेट करते हो उस टाइम पे क्या होता है, पेट्रोल इंजन के केस में जो बटरफ्लाई वाल्व है जो लगा होता है आपके जो थ्रॉटल बॉडी है उसके अंदर, वो खुलता है या बंद होता है। जब आप पूरी रेंज देते हो तो पूरा वाइड ओपन होता है वो। तो ये जो बटरफ्लाई वाल्व का एंगल है वो मेजर करता है, मतलब कितना ओपन है, कितना परसेंट ये ओपन हुआ है बटरफ्लाई वाल्व, ये मेजर करता है TPS सेंसर। ये एक नॉर्मल पोटेंशियोमीटर है जिससे वोल्टेज का डिफरेंस आता है जब आप थ्रॉटल करते हो, और उसी से आपका ECU इंडिकेट कर लेता है कि कितना आपका जो बटरफ्लाई वाल्व है वो ओपन या क्लोज है। तो अभी थर्ड जो सेंसर है वो है हमारा मैप सेंसर। मैप मैंने जैसे ही बताया आपको मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, इसके जब जगह पे मैप सेंसर भी यूज हो सकता है, जिसका मतलब है मास एयर फ्लो सेंसर। तो ये क्या करता है, मैप सेंसर की बात करें तो इंजन का जो वैक्यूम है, जो इंजन आपका सक कर रहा है एयर को, और जब आपका बटरफ्लाई वाल्व से आप ऑपरेट कर रहे हो एयर को, जो कितना वैक्यूम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है नेगेटिव प्रेशर, उसको मेजर करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब आपका गाड़ी लोड पे रहता है, मान लीजिए गाड़ी को चला रहे हो एक सर्टेन थ्रॉटल पे और गाड़ी में आप लोड बढ़ा रहे हो, मतलब वेट बढ़ा रहे हो गाड़ी का, या फिर हिल क्लाइंब कर रहे हो, तो उस टाइम पे इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो चेंज होता है, क्योंकि गाड़ी लोड में
में आ गया उस टाइम पे, और उसी लोड को ये प्रेशर के द्वारा मेजर करता है, क्योंकि उसको पता है कि कितना थ्रॉटल ओपन या क्लोज है टीपीएस सेंसर से, और मैप सेंसर को पता है कि कितना नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसके मदद से ये पता कर लेता है कि इंजन लोड पे है या नहीं, जिसके हिसाब से आपका जो फ्यूल इंजेक्शन है वो कंट्रोल होता है। क्योंकि सारा जो जितने भी चीज़ें सेंसर लगाया जाता है एक ही कारण, क्योंकि यहाँ पे एक फ्यूल इंजेक्टर है और फ्यूल का जो मिक्सचर है कितना मिक्स करना है, कितना इंजेक्ट करना है फ्यूल, उसी को कंट्रोल करना है इन सब भी सेंसर का काम। सारा कंट्रोल होता है इश्यू से, और ये जो सेंसर है सारे ये इश्यू को इंडिकेट करता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सेंसर में। नेक्स्ट सेंसर है हमारा जो टेम्परेचर है, आपका जो एयर का टेम्परेचर है वो। एयर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एयर का टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन कॉन्टेंट एयर का डिपेंड करता है, और अगर आपका एयर ज़्यादा हीटेड हुआ, ज़्यादा गर्म हुआ, तो उसमें ऑक्सीजन कॉन्टेंट कम रहता है, और एयर अगर आपका कम हीटेड हुआ, मतलब कोल्ड एयर हुआ, तो उस टाइम पर भी आपका जो ऑक्सीजन कॉन्टेंट है वो ज़्यादा होता है। तो इसी कारण से टेम्परेचर सेंसर भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है इस केस में। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सेंसर में, जो है इंजन टेम्परेचर सेंसर। इंजन टेम्परेचर में हम बहुत कुछ काउंट कर सकते हैं। अगर आपका इंजन लिक्विड कूल्ड है तो जो कूलेंट फ्लो हो रहा है इंजन में उसका टेम्परेचर भी ये ले सकता है। नॉर्मली बाइक्स में इंडिकेट करता भी है कुछ कुछ मोटरसाइकिल्स में, और आपको पता है हर एक इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम तो होता ही है, जो इंजन ऑयल होता है उसका टेम्परेचर भी ये ले सकता है। तो ये सब करके इंजन का जो नॉर्मली ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो मेजर करता है ये सेंसर। तो इससे क्या पता चलता है, जब कोल्ड स्टार्टिंग के टाइम पे इंजन ठंडा हो जाता है उस टाइम पे फ्यूल इंजेक्शन डिफरेंट होना पड़ता है, और आपका इंजन जब गर्म हो जाता है तो आपको इंडिकेट करना पड़ता है कि ज्यादा ओवरहीट हो गया इंजन। तो ये जो सारा चीज है जो कंट्रोल करता है ईसीयू, इन सारा चीजों का जो इनपुट है वो यही सेंसर देता है। तो अभी इंजन टेम्परेचर सेंसर के बाद जो आखिरी सेंसर है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर है फ्यूल इंजेक्टर इंजन के लिए, वो है ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है आपकी एग्जॉस्ट जो हेडर है उसमें, आप एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी कह सकते हो, कभी कभी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में भी लगा रहता है, कभी कभी ज्यादातर हेडर्स में लगा रहता है। तो अभी जो ये ऑक्सीजन सेंसर है इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन नाम से पता चल रहा हमें, ये कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का मेजर करता है। तो ये क्या करता है, आपका जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसमें ऑक्सीजन परसेंटेज मेजर करता है। मान लीजिए आपके इंजन का जो एग्जॉस्ट है उसमें ऑक्सीजन परसेंटेज ज़्यादा है जितना होना चाहिए उससे, इसका मतलब क्या है, जितना एयर आ रहा है पूरा बर्न नहीं हो रहा है और मैक्सिमम एयर आपका बाहर निकल जा रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका जो फ्यूल दे रहे हो आप इंजन के अंदर वो शायद कम दे रहे हो, जिसके वजह से ये बर्न नहीं हो रहा कंप्लीट एयर। तो इससे पता चलता है हमारा इंजन चल रहा है अभी लीन में, मतलब फ्यूल कम है और एयर ज़्यादा है जितना रेशियो होना चाहिए। अगर अभी ऑक्सीजन कंटेंट जितना होना चाहिए उससे कम निकला, ऑक्सीजन सेंसर अगर सेंस किया, इसका मतलब क्या है, जितना ऑक्सीजन आ रहा है उससे ज़्यादा ही बर्न हो जा रहा है ऑक्सीजन, और इसका मतलब क्या है, ज़्यादा फ्यूल आप दे रहे हो, मतलब आपका इंजन चल रहा है अभी रीच में, मतलब जो रेशियो था उससे नीचे चल रहा है। मान लीजिए अगर रेशियो ऐसे 12:1 हो जाए तो इसको हम रीच मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि 12% एयर और 1% फ्यूल हो गया, होना चाहिए था इसको क्या 14.7% एयर और 1% फ्यूल, इससे कम हो गया मतलब रीच मिक्सचर चला गया, मतलब फ्यूल हमारा ज़्यादा चला गया। तो ऐसे ही अगर ऑपोजिट केस में जाए तो ये हो जाता है लीन मिक्सचर। तो ऑक्सीजन सेंसर बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंस करती है, क्योंकि अगर रीच और लीन में ऐसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ तो इंजन आपका ख़राब हो सकता है। और कोई भी फ्यूल इंजेक्टेड इंजन में अगर आपको फ्यूल का स्मेल आए एग्जॉस्ट से तो आपको तो सर्विस सेंटर में दिखा लेना चाहिए। और इंजन चेक लाइट होता है फ्यूल इंजेक्टेड इंजन में जो ब्लिंक करता रहता है, जिससे आप ब्लिंक कोड से द्वारा जो सेंसर का प्रॉब्लम अगर कोई है वो भी चेक कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ता है, चेक करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ख़राब होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इंजन का। तो अभी ये तो सारे मेजर सेंसर की बात हो गई, अभी जो कुछ माइनर सेंसर्स है जिसके अलावा भी इंजन चल सकता है उनकी बात करेंगे। ये जो सेंसर्स है इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया रोल ओवर सेंसर, वैसे सारे जितने भी आपके फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ गाड़ी है, सब में रोल ओवर सेंसर यूज होता ही है। रोल ओवर सेंसर का क्या काम है, आपको पता है फ्यूल इंजेक्टर इंजन्स में एक पंप होता है फ्यूल को सप्लाई करने के लिए। तो अभी मान लीजिए किसी कारण से आपका गाड़ी पलट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस टाइम पे फ्यूल पंप तो चलता रहेगा, जिसके वजह से आग लगने के चांसेस है। तो इसी कारण से गाड़ी का सेफ्टी बढ़ाने के लिए ये रोल ओवर सेंसर दिया जाता है। ये क्या मेजर करता है, आपकी गाड़ी जो अगर टिल्ट हो गया तो तुरंत ये फ्यूल सप्लाई को बंद कर देगा, मतलब फ्यूल पंप को ये शट डाउन कर देगा। तो ये एक सेफ्टी फीचर है, इसके बिना भी चल सकता है गाड़ी, ऐसा नहीं कि इसका ज़रूरत है, लेकिन एक सेफ्टी फीचर है जो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बात करें साइड स्टैंड सेंसर की, ये पता ही होगा फ्यूल इंजेक्टेड हो या फिर फ्यूल इंजेक्टेड के बिना हो, बहुत सारे मोटरसाइकिल्स में अभी आता है साइड स्टैंड सेंसर। तो ये एक बहुत सिंपल सेंसर, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अभी बात करते हैं बाकी दो सेंसर की। मैंने ये जो वीडियो है इसका छोटे छोटे क्लिप्स मैंने पहले शूट किया था, तो उसका जो क्लिप्स है वो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, जिससे मुझे लोगों ने कमेंट किया कि आपने सारा सेंसर तो बता दिया लेकिन कैम सेंसर आपने बताया नहीं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे इंजिन्स हैं, ज़्यादातर जितने भी इंजन आपने देखा होगा नॉर्मली इंडियन मार्केट में, ज़्यादातर इंजिन्स में, मोटरसाइकिल की बात करें तो किसी में भी कैम सेंसर यूज़ नहीं होता। तो कैम सेंसर के बिना भी हम लोग सारा चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका भी अगर डिटेल में आप जानना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना, आगे इसके रिलेटेड वीडियो बना सकता हूँ। कैम सेंसर क्या होता है नॉर्मली? कैम शाफ्ट जो होता है इंजन में वहाँ पर लगा होता है, तो कैम शाफ्ट से ये मेज़र करता है कब आपका TDC है। ये क्यों होता है, क्यों ये लगाया जाता है, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा, इस वीडियो में वो चीज़ कवर नहीं करेंगे। और अभी बात करें नॉक सेंसर की, नॉक सेंसर भी सेम है, ये इंजन का जो नॉकिंग है उसको सेंस करता है कि आपका इंजन ख़राब ना हो जाए, क्योंकि नॉकिंग से हमें पता है अनकंट्रोल कंबशन होता है और उससे इंजन ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो नॉक सेंसर का वही काम है नॉकिंग को मेज़र करना। तो नॉक सेंसर भी ऐसे हाई परफॉर्मेंस इंजिनस में यूज़ होता है। अगर नॉर्मली गाड़ी की बात करें 300 cc के अंदर मोटरसाइकिल जो इंजन है उसमें नॉक सेंसर आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये भी सेंसर आपको ना भी लगेगा तब भी इंजन काम कर जाएगी, अगर सब कुछ अच्छे से ट्यून्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये सेफ्टी फीचर्स है, इंजन का जो सेफ्टी है वो अच्छे से बढ़ाने के लिए ये यूज़ किया जाता है नॉक सेंसर। तो ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट है, और भी बहुत सारे सेंसर है, छोटे मोटे सेंसर जो यूज़ किया जाता है, तो उनके रिलेटेड का भी आगे वीडियो बनाएंगे। और आप लोगों ने बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन किया था कि इंजन का जो वायरिंग है, मतलब कैसे कनेक्टेड रहता है सारा सेंसर, ये तो होगी सेंसर की बात, एक्चुएटर भी होते हैं, जैसे आपका जो स्पार्क है, स्पार्क प्लग हो गया या फिर फ्यूल इंजेक्टर हो गया, वो होता है एक्चुएटर्स। तो एक्चुएटर सेंसर कैसे कनेक्टेड रहते हैं, पूरा इंजन का जो नॉर्मल बेसिक वायरिंग है वो कैसा होता है, उसके रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, तो उसका वीडियो भी आगे आएगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिए मुझे यूट्यूब पे, और इस नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना कि जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।